हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जो आप लोग का ईएमआर इसका एग्जाम होने वाला था, उसकी आप लोग की स्कीम आ गई है कि जो भी एग्जाम है इसका शेड्यूल क्या है, किस दिन होंगे, क्या डेट रहेगी, और साथ ही में किस सब्जेक्ट का या किस जो आपका पीजीटी का है, हाउस वार्डन है, अकाउंटेंट का है, तो क्या उसकी एग्जाम का शेड्यूल रहेगा। तो आइए देखते हैं कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो एमआरएस की है उस पर भी मिल जाएगी ये स्कीम। जो प्रिंसिपल का एग्जाम होना है उसकी डेट है 16 दिसंबर को, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम रहेगा। साथ ही भी बता रखी है इन्होंने, पीजीटी में जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया होगा उनका 16 दिसंबर को ही एग्जाम है इवनिंग शिफ्ट में। हॉस्टल वार्डन के बच्चे उनका 17 दिसंबर को होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। जो जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के हैं उनका इवनिंग शिफ्ट में रहेगा सेम डेट पर ही। जो लैब अटेंडेंट का है उनका 23 दिसंबर को रहेगा मॉर्निंग शिफ्ट में। और जो टीजीटी के बच्चे उनका सेकेंड शिफ्ट में इवनिंग जो होगी उसमें रहेगा 23 को ही। पीजीटी म्यूजिक के लिए 24 दिसंबर की मॉर्निंग शिफ्ट है, अकाउंटेंट की हो जाएगी 24 दिसंबर की इवनिंग शिफ्ट में। इसकी प्रैक्टिस मैं आप लोग को कराई रही थी, जो अकाउंटेंट का है इसमें ज़्यादातर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो टाइम भी थोड़ा मिल गया है। 24 दिसंबर को एग्ज़ाम है, तब तक आपके जो प्रैक्टिस सेट है मैं स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों के लिए। जो कॉमर्स से रिलेटेड पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन मैंने पूरी करा दी थी, एक दो टॉपिक बचे हैं उसमें, उसको भी कंप्लीट करा देंगे। और साथ ही आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। जो वीडियोस मैं ला रही हूँ या कोई प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने अगर लिया है, इसकी अलग से वीडियो भी एक मैं बना दूंगी कि कौन से ऐसे प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है जो आप ले सकते हैं, जहाँ से आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी जितनी वीडियोज़ मैंने प्रोवाइड कराई हैं उनको अच्छे से बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपका ये आसानी से जो कॉमर्स पोर्शन है, जो सब्जेक्ट कंसर्न पोर्शन से क्वेश्चन आने हैं वो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आगे उन्होंने बताया हुआ है कि द एग्जामिनेशन सिटी अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स हैज बीन डिस्प्लेड इन देयर एप्लीकेशन लॉगिन सिंस देयर आर मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन भोपाल, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ एंड विजयवाड़ा। सो सम एग्जामिनेशन सेंटर्स हैव बीन सेट अप इन देयर नियर बाय सिटीज इन द कंसर्न स्टेट्स। तो यहाँ पर बताया रखा है कि जो भी आपकी एग्जाम सिटी होगी जो अलॉट करी जाएगी, जो आपने फॉर्म फिल किया था तो आपकी एक लॉगिन आईडी होगी ना, एप्लीकेशन और लॉगिन आईडी, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स इसकी अपडेट कर दी जाएंगी कि कौन सी एग्जामिनेशन सिटी है। और जो जो कुछ ऐसे स्टेज हैं जहाँ पर ज़्यादा बच्चे थे तो उनको ये बता रहे हैं कि इन्होंने स्टेट जो भी जिस जिस स्टेट से रिलेटेड थे उसी के आसपास की नियर बाई सिटीज अलॉट करी गई हैं उसी स्टेट में। तो जैसा भी होगा वो आप लोगों की एप्लीकेशन आईडी जो है वहाँ पर अपडेट कर दिया गया होगा, तो उसे चेक कर लीजिए। द रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सिटी विल नॉट बी इंटरटेन इन एनी केस। ये एग्जामिनेशन सिटी जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, जो भी वहाँ से अलॉट की गई है उसी पर ही आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो जो भी आपकी एप्लीकेशन आईडी है वहाँ पर जाकर के आप अपना अपडेट जो है वो देखते रहिएगा टाइम टू टाइम। वैसे उसकी भी अलग से इन्फॉर्मेशन आएंगी कि कब उन्होंने जो एग्जामिनेशन सिटी अलॉट करी है, उसकी अपडेट आपको अलग से नोटिफिकेशन आएगा ही। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब आपका एग्ज़ाम है, अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए उसी के अकॉर्डिंग। और जो पीजीटी के बच्चे हैं, जो पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड हैं, अकाउंटेंट का तो मैंने बता दिया आप लोगों को, जो पीजीटी वाले बच्चे हैं उनका भी जो कॉमर्स से जिन सब्जेक्ट है कॉमर्स से फॉर्म फिल किया है तो उनके लिए प्रैक्टिस सेट मैं लाई थी, फिर बीच में आपका रुक गया था। तो अब दोबारा से मैं स्टार्ट कर दूंगी आप लोगों के प्रैक्टिस सेट्स, जिससे कि आप लोगों का रिविज़न अच्छे से हो जाए। जो भी कम्प्लीट आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा तो रिविज़न हो जाएगा। 16 को एग्ज़ाम है, अच्छे से तैयारी करिए, उसी की अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। अब तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट आप लोग का टाइम है सॉल्व करने का, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियोस के साथ, जिसमें आप लोग को प्रैक्टिस सेट रहेंगे या फिर जो क्वेश्चन रह गया है उसे भी कम्प्लीट करा देंगे। तो उसके साथ ही आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।